बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज के वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी सेकेंड ईयर में है, देख लीजिए। जो भी छात्र बीएससी सेकेंड ईयर में, उनके लिए हम फिजिक्स का थर्ड पेपर लेके आए हैं। ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन है, मतलब कि आपको न्यू मॉडल पेपर जो आप देख रहे हैं ना, न्यू मॉडल पेपर है 2022 का आप देख रहे हैं, और ये यूपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक है, यूपी के आल यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये तो पता होगा यूपी की लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक है। वो आपको बताए आपको क्या है, ये बस इतना जरूर है सिलेबस में कि आगे पीछे दे रखा है, जैसे फर्स्ट पेपर को सेकंड बना रखा है, सेकंड पेपर को उन्होंने फर्स्ट बना रखा है, बस इतना तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में। लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर यूनिवर्सिटी जो है, और आप कह सकते हैं सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी, इनमें ऐसा कुछ नहीं। केवल एक यूनिवर्सिटी मुझे देखने को मिली, वो है DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे कर रखा है, बाकी कुछ खास नहीं है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपको खुद भरोसा हो जाएगा कि कैसे आ सकते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सर बता रहे हैं, कैसे। तो मैं आपको बता रहा हूं उसका तरीका कैसा जानने का। आप कुछ गैस पेपर क्वेश्चन बैंक मार्केट से लेके आए हो, बिल्कुल आए हो ना, यस या नो? आप हो गए हाँ लेके आए, क्योंकि हर स्टूडेंट मार्केट से कुछ ना कुछ खरीदता है। जो मार्केट में छोटे छोटे टाइप के गैस पेपर आते हैं, छोटे छोटे आते हैं, वो खरीदता है। उससे क्या होगा, आप ये देखिए कि उन क्वेश्चनों में, उस गैस पेपर में, सीरीज में जो मैं आपको दे रहा हूं, वो क्या सच में मिल रहा है। बस इतना देखिए, मैं ज्यादा नहीं कह रहा। अब आपको लगेगा कि हाँ सर ने जो क्वेश्चन बताए वो सेम टू सेम यार वही क्वेश्चन है, पता नहीं। तो सोचो, मतलब कुछ गैस पेपर है, बहुत सारे होंगे, मैं आपको 15 से वही 16 17 यार 10 15 क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हैं आपसे पेपर में, और मैं आपको वही 15 से 16 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ यार। आप 15 से 16 क्वेश्चन पढ़ के आप कहोगे मैं 15 से 16 क्वेश्चन पढ़ के 85% ला सकता हूँ, 2022 का मैं टॉपर बन सकता हूँ। आप विश्वास करिए बनोगे। कैसे, तरीका होता है कुछ करने का, तो मैंने लिखने का तरीका बता रखा है। पेपर में कभी नकल मत करना, बहुत सारी कॉलें आती है मेरे पास में, कुछ कॉलों को मैं आपके सामने रिव्यू कर देता हूँ, उसको दिखा देता हूँ। बाकी मैं किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लेता कि किस स्टूडेंट ने, लेकिन हाँ बस इसलिए आपको सुनाता हूँ उसकी वॉइस को, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ऐसा भी होता है। तो होता है, सब कुछ है, आप ध्यान से रखिए, अपने आप को सतर्क रहिए। आप बस, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपके पेपर में छपेंगे क्वेश्चन, बाकी कुछ और मत पढ़ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कोई और कुछ पढ़ेगा तो फायदा क्या है यार। आप वो पढ़ो जो पेपर है कर आपको बता रहा है, बस वही पढ़ो, बाकी कुछ मत पढ़ो। अब यहाँ देखिए, आप अपने बुक, नोट्स, गैस पेपर, सीरीज वगैरह जो भी है आपके पास में, ओपन करो उसको, और जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वही क्वेश्चन पे अपना टिक लगा लो ऐसे करके। ये आप सिंपल लिख सकते हो, आप सीधे लिख दीजिए राज लिख सकते हो ऐसे तरीके से, क्योंकि मैं, मेरा नाम है सूरज राज, तो आप राज लिख सकते हो, जिससे आपको याद रहेगा कि हमेशा यार सर ने ये क्वेश्चन मुझे बताया था, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर पेपर हैकर पीएच लिख सकते हो, ऐसे तरीके से पीएच लिख सकते हो कि पीएच हर क्वेश्चन के नीचे जो मिलता रहे उस पर पीएच अगर लिख सकते हो, कि आपको लगा है आपके टीचर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते होंगे, यार आपने जिसमें इसमें कोचिंग वगैरह पढ़ी होगी वो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है। तरीका यही होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, बस जो क्वेश्चन बता रहा हूं वही पढ़ लीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है, यूपी के अंदर तो कोई है नहीं, समझ रहे ना, तो समझ लो। ये देख लीजिए, यहां बोला गया क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम को आपको याद कर लेना है, और इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों हमने नीचे मेंशन कर रखी है, आप समझ सकते हैं। यहां देखो कह रहा है प्रभाव, इसको एक दूसरे नियम से ऐसे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम ना आकर वो हमसे पूछ लेगा कि प्रभाव का, प्रभाव के नियम का वर्णन करो, इस तरीके से पूछ लेगा कि प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम आ जाए या फिर प्रकाश का वैद्युत उत्सर्जन नियम आ जाए, एक ही लिख देना, काम हो जाएगा तुम्हारा। यहां फिर आपको देखो एक क्वेश्चन यहां और मिलता है, वो मिलता है आइंस्टीन की समीकरण। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनको बोला जाता है, क्योंकि ये हर साल पेपर में आते हैं, और देख लेना 2022 के पेपर में आए होंगे। और अभी जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, 6-7 यूनिवर्सिटी जो भी पेपर करा रही है, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें से 95% 94% 85% 84% से तो नीचे कभी फंसा ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि 84% से नीचे आ जाए, समझ रहे हो, 95% 96% 98% बसता है, जो हम बता दें पूरा पेपर वही आता है, कुछ बाहर नहीं आने वाला। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बेटा। यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन को अपने उस वाले बुक गैस पेपर पे लोग लगा लो, ठीक, लगा लो राज लिख दो ऐसे करके, ठीक
ठीक है, ऐसे लिख दिया करो। और ध्यान हो उसे क्वांटम इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपके नोट्स में समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन को मैं कैसे पढ़ू, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, बहुत बहुत लंबे क्वेश्चन सर ने लिखवा रखे हैं बुकों में, गैस पेपर में बहुत जगह बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करो। नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, थोड़ा सा नीचे जाइए। एक हमारा न्यू चैनल है जिसका नाम है खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको फेल करने वाला फायदा नहीं है इसको। आप उधर एक्स वाई जेड खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड जो चैनल है वो थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा मजे लेने के लिए बना रखा है, मतलब लोग जहां भी जाते हैं तो वहां की थोड़ी सी वीडियो शूट कर लिया करेंगे, बस इसलिए मैं बना रहा हूँ, खास नहीं मेरा उसका मकसद। लेकिन आप उस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा प्यार दे दो यार अच्छा सा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस चैनल के भी सब्सक्राइब 1,00,000 से प्लस हो जाए फटाफट। आप लोग सभी प्यार दीजिए थोड़ा थोड़ा यार, सब्सक्राइब को तो बोल रहा हूँ, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच कर दो। दूसरा देखो क्वेश्चन, आप क्वांटम इफेक्ट को आर्टिकल लगा लेंगे, ये आप देख रहे हैं ना डी ब्रोगली तरंग समीकरण परिकल्पना जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट है बेटा, इसको रट लेना, मेरी बात समझ लो, ठीक है, इसको ध्यान से देख ला, फिर मत कहना कि ऐसा कैसे हो गया, होगा सारे क्वेश्चन आएंगे पेपर में छपेंगे, ये वाला क्वेश्चन पर टिक लगा लो फटाक से, हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत और इसका प्रयोग, समझ रहे ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसको याद करो, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोला है, डिवीजन जो जर्मर थे उनका प्रयोग किया था, तो सबसे ज्यादा आपका हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, उसके साथ में ये भी पढ़ेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको मोस्ट की बोला जाएगा, इसको आप देख रखिए। और आपको नीचे हम जाएंगे अध्यारोपण, इसको देखिए रेखीय अध्यारोपण को छोड़ दीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन को आप टिक लगाइए, ये क्वेश्चन को टिक लगाओ, इसका नाम है श्रेणीगत समीकरण का पृथक्करण, या फिर आपसे पूछेगा श्रेणीगत समीकरण के बारे में, या फिर उसका पृथक्करण कैसे किया जाता है, समझ रहे ना, ये आप याद करेंगे। चलो उसके बाद में जो छुड़वा रहा हूं उसको छोड़ दीजिए, यहां देखो ये वाला को देखो, वर्गकूप विभव क्या होता है आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और यहां वो लगा है आइगेन फलन का आइगेन मान, देखो आइगेन फलन क्या होता है और आइगेन मान क्या होता है, इन दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, आइगेन फलन आइगेन मान मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां देखिए यहां बोला गया है एरिनफेस्ट की प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट है, शून्य बिंदु ऊर्जा एवं उसका महत्व, ये देखिए जो आप देख रहे हैं 0 पॉइंट एनर्जी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मोस्ट बोल देना, ये जो बॉक्स में बंद कर रहा हूं यही पढ़ना है आपको क्वेश्चन, कुछ और नहीं देखना है। यदि आप 2022 के टॉपर बनने वाले हो तो आप बस जो क्वेश्चन बता रहा हूं वही पढ़ लेना, आपको खुद विश्वास आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन आपको लगता है कि मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन है, आपके हिसाब से लगता है तो आप उसको एक दो क्वेश्चन को एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि भाई पाबंदी लगा रहा हूं मैं आपको बस ये बोल रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, एक रास्ता दे रहा हूं जो आपको सही लगना चाहिए, समझ रहे हैं। उसके बाद में है देखो यहां कह रहा है लंब प्रसामानक जो तरंग होती है उसके फलन के बारे में याद कर लेना है, ठीक है, और लंबकोणिक क्या होता है ये क्वेश्चन को देख लेना साथ ही साथ में। ये है रोधी का विभव क्या होता है, रोधी का विभव को देख लेना है, रिडवर्क नेतांग पर नाभिकीय द्रव्यमान के प्रभाव की व्याख्या, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कला वेग और समूह वेग में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है, कला वेग और समूह वेग, देखो याद रखना ये कला वेग ऐसे करके लिखा होगा, कला वेग और ये होगा समूह वेग, ठीक है ना, समूह वेग, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर में छप रहा है आपके 2022 में। उसके बाद में देखो ये है, देखो बोहर के अभिग्रहित सिद्धांत उनकी कमियां, ठीक है, अभिग्रहित सिद्धांत उनकी कमियां, और देखो यहां श्रेणी, श्रेणी तो जानते होंगे, बामर श्रेणी लाइमर श्रेणी, पांच प्रकार की श्रेणी होती है, पांचों प्रकार की श्रेणी पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छप रहा है ये क्वेश्चन। उसके बाद में नीचे जाओ बेटा, यहां देखो ये क्वेश्चन पढ़ो बस, यहां देखो यहां बोला गया है मोसले की बोल सकते हैं इसको, मोजले भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से आ सकता है, इसके नियम को पढ़ के जाना, ठीक है, अभी लक्षण ये एक्स किरण की उत्पत्ति कैसी होती है आप इसको पढ़ के जाइएगा, प्रकाश विद्युत इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसको क्वांटम सिद्धांत के बारे में, क्वांटम सिद्धांत सुन लो ध्यान से। उसके बाद में पढ़ेंगे होमोन्यूक्लिक और देखो यहां अणुओं के घर्णन स्पेक्ट्रम क्यों नहीं प्राप्त होते, इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में प्रकाश उत्सर्जन सेल और प्रकाश वोल्टेज सेल की संरचना की कार्यविधि, प्रकाश उत्सर्जन सेल जो होता है, प्रकाश वोल्टेज सेल, इनकी संरचना की विधि को आप पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में नीचे जाइए और नीचे क्वेश्चन बोल रहा है सतत एक्स किरण क्या होती है, सतत एक्स किरण उनके लक्षण के बारे में देखेंगे,
और एल एस युग्म के दो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। दो देखो एल एस युग्म के दो जो युग्मन होते हैं उनके दो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में आप देख के जाएंगे, इसको पढ़ लेना, हो सके आपके क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि एल एस क्लोपिंग क्या होता है। एल एस क्लोपिंग सिंपल ऐसे तरीके से भी लिख सकता है वो, शॉर्ट में पूछेगा तो, समझ रहे हैं आप, इसको पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में है अणु स्पेक्ट्रम के दोलन घर्णन बेंडर जो बॉन्ड होते हैं उनके सूक्ष्म संरचना की व्याख्या, आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नीचे जाइए जो आपको बता रहा हूं भैया आपको पढ़ना है। उसके बाद में आता है देखिए शुद्ध घन स्पेक्ट्रम, शुद्ध घन स्पेक्ट्रम का नियम आपको देखेंगे, जिसे हम वर्णक्रम नियम भी बोल सकते हैं, जिसको हम वर्णक्रम नियम के नाम से जानते हैं। देखो यहां बोला है अंतर्नाभिकीय दूरी का मापन किस तरीके से किया जाता है, ये आप देख लिए, ठीक है, अंतर्नाभिकीय दूरी का मापन के बारे में। उसके बाद में बस लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, ये देख प्रकाश वैद्युत इफेक्ट मैंने ऊपर बता चुका हूं तो यहां छोड़ दीजिएगा। यहां देखो ये वाला दहली आवृत्ति क्या होती है, इसकी परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना, वेरी इंपोर्टेंट है। तरंग फलन की परिभाषा, वेव फंक्शन क्या होता है आप इसको पढ़ेंगे। विकिरण की द्वितीय प्रकृति के बारे में, इसको आप इस पर एक टिप्पणी लिखने के लिए आती है बेटा, इसको पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, समझ लेना मेरी बात को। उसके बाद में लास्ट में ये क्वेश्चन है, देखो देखो ध्यान से, स्पेक्ट्रम के पद, हो सके तो एक्स किरण के अवशोषण स्पेक्ट्रम की विवेचना, ये क्वेश्चन मोस्ट है बेटा। बस ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन न्यू मॉडल पेपर के आधार पर बेटा, न्यू मॉडल मॉडल पेपर के आधार पर, ठीक है, इसको समझ लेना, 85% प्लस लेके आना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी टॉपर बनना है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं न्यू वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, जो आपको बस वही पढ़ के जाना है यूपी के आल यूनिवर्सिटी के लिए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।